नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ Realme 8 Pro का कैमरा लेंस प्रोटेक्टर। यह दोस्तों आपने देखा है कि Realme का जो 8 Pro है दोस्तों, उस पर चार कैमरे होते हैं। इस तरीके से दोस्तों देखिए, ये चार कैमरे होते हैं Realme 8 Pro में। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने इसके जो कैमरा लेंस प्रोटेक्टर है जी, मैं आपको लेके आया हूँ और आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊँगा कि इसमें हमें किस तरह का कैमरे लेंस का प्रोटेक्टर मिलता है और दोस्तों कितना वर्क करता है, कितना अच्छा आपके फ़ोन पर वर्क करेगा और क्या आपको इस तरह के लेंस इस अपने फ़ोन पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो कैमरा लेंस प्रोटेक्टर है जी, मैंने ऑनलाइन मंगाया है दोस्तों, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसे ओपन कर दिखाता हूँ कि इसमें हमें किस तरह का लेंस मिलता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसको ओपन कर लिया पहले ही। तो आपको इसमें दोस्तों देखिए, इस तरह का एक कार्ड मिलेगा पिन्नी वाला, ये देखिए इस तरह का। इस पर दोस्तों चार लेंस अलग अलग से चुपके हुए आएंगे जो दोस्तों ग्लास के लेंस हैं। तो दोस्तों वो मैंने अप्लाई कर दिए हैं, ऐसा नहीं है कि अप्लाई करने में आपको दिक्कत आएगी। आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी दोस्तों, मेरा Realme 8 Pro जिसको ऊपर देख सकते हो, देखो आपको दिख रहा होगा कि इसके ऊपर चारों गिलास मैंने लगा दिए हैं दोस्तों। ये गिलास जो हैं, जो कि पिन्नी नहीं है, ये गिलास हैं, जैसे टेम्पर ग्लास होता है फ़ोन का उस तरीके से दोस्तों इनकी क्वालिटी है ग्लास वाली। तो दोस्तों इसके ऊपर चार ग्लास लगे हुए आते हैं इस पिन्नी के ऊपर, ऐसे एक दो तीन चार इस तरीके से। तो दोस्तों आपको एक एक करके एक हटाना है इसके ऊपर से, इस पर अप्लाई करना है साफ करके। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है इन चारों ग्लासों को। तो दोस्तों मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ग्लास की जो क्वालिटी है, इनकी कैमरा लेंस की जो क्वालिटी है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छी है। आपको दोस्तों ये कैमरे हैं, ये कैमरा है आपके फ़ोन का, इस पर एक भी स्क्रैच नहीं आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप इस पर कोई भी इस पर दोस्तों प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हो तो दोस्तों इस पर स्क्रैच आने के चांसेस होते हैं। तो आप दोस्तों इस तरीके से इन पर ये ग्लास लगा सकते हो जो दोस्तों आपके कैमरे के ऊपर एकदम फिट बैठते हैं। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ये हिस्सा है जो बचा हुआ है, बट दोस्तों ये ज़्यादा नहीं है आपको कैमरे में दिख रहा है ऐसा, बट ये काफ़ी अच्छी तरीके से इस पर फिट हुए हैं। और ये कांच के ग्लास हैं, जब मैं इसमें इंग्लिश इस तरह देख रहा हूँ तो काफ़ी ये ऊंचा उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है मुझे। तो दोस्तों आप इस तरीके से इस पर अप्लाई कर सकते हो, ये करके ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है अप्लाई करते टाइम। और दोस्तों जो इसका नाम है, जिसको दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, जिसका खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप इसे ऑफलाइन भी करना चाहते हो तो आप इस वीडियो में से इसका नाम देख सकते हो। ऑफलाइन दोस्तों जो आपको ज़्यादा नहीं 60 या 65 रुपये का मिल जाएगा, बट दोस्तों ऑनलाइन में कितने मंगाया है आपको उसकी रेट जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों ये कैमरा लेंस प्रोटेक्टर है, आप इस तरीके से इन पर यूज कर सकते हो। और दोस्तों इस फ़ोन के ऊपर मैंने ये दोस्तों लेमिनेशन भी करवाई रखी है। क्यों करवाई रखी है दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन पर दोस्तों कवर होता है, उस कवर से दोस्तों स्क्रैच आ जाते हैं साइडों में यहाँ पे इस तरीके से। तो दोस्तों एक भी स्क्रैच नहीं आएगा जब आप इस पर कोई भी कवर यूज करते हो। अगर आपने इस पर पिन्नी वाला ये टेम जो दोस्तों ये लेमिनेशन होती है थर्ड लेयर वाली, जब आप इसे यूज करोगे दोस्तों इस पर एक भी स्क्रैच नहीं आने वाला। दोस्तों आप देख सकते हो इस पर थोड़े थोड़े सफेद सफेद बैड बैड निशान दिख रहे हैं, ये दोस्तों इसी वजह से हैं क्योंकि इस फ़ोन का दोस्तों जो बैक पैनल है वो दोस्तों टेक्चर वाला है, तो ये एकदम स्मूथ तरीके से इस पर अप्लाई नहीं हुआ है। बट दोस्तों थोड़े थोड़े निशान आए हुए हैं, बट काफ़ी अच्छी तरीके से इस पर अप्लाई हो चुका है और आपके जो बैक पैनल है इसको काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन देगा स्क्रैच से। और दोस्तों ये कैमरा लेंस आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से इस पर फिट बैठे हैं। तो आप दोस्तों इनको मंगा सकते हो और अपने फ़ोन के कैमरे के दोस्तों अच्छी प्रोटेक्शन दे सकते हो।